हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका वाईफाई ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों बता दें कि हमारी केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की माहौल में बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया है। दोस्तों अगर आपके घर में चाहे कोई सा भी रसोई गैस सिलेंडर है, तो इस हमारे लॉकडाउन के माहौल में हमारे भारत की सरकार ने सभी रसोई गैस सिलेंडर को महासस्ता कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे भारत की सरकार की तरफ से रसोई गैस सिलेंडर कितने रुपए सस्ता हुआ है। अगर दोस्तों आप भारत के चाहे किसी भी राज्य से आते हैं, तो फिर इस वीडियो को बीच में बंद करने के बोल मत करना, बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एकदम अंत तक और एकदम पूरा लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब सीधे बात करते हैं बड़ी खबर की। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हम जो भी आगे रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के जानकारी अपलोड करेंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय से और सिंपल तरीके से मिल जाया करेगी। दोस्तों बता दें आपको कि महंगाई के इस दौर में सभी लोग दो पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितनी तेजी से हमारे भारत देश में रसोई गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, अगर ऐसा होता रहा तो आगे चल करके आपका रसोई गैस सिलेंडर काफी महंगा हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि हमारे भारत की सरकार महंगाई के साथ आज बहुत ही बड़ी ऐलान कर दिया है। दोस्तों अगर आपके घर में चाहे कोई सा भी रसोई गैस सिलेंडर है, तो आज से हमारे भारत की सरकार की तरफ से लगभग दोस्तों सभी रसोई गैस सिलेंडर को हमारे भारत की सरकार ने 587 रुपए का कर दिया है। यानी कि जो सिलेंडर आपको 900 रुपए 980 का पड़ रहा था, अब वही सिलेंडर अगर आप गैस एजेंसी पर रिफिल करवाने के लिए जाएंगे, तो मात्र आपको 587 रुपए लगेगा आपको गैस सिलेंडर नया रिफिल करवाने के लिए। यानी कि दोस्तों लगभग हमारे भारत की सरकार ने 350 और 300 रुपए की कमी कर दिया है। तो अगर आपके घर में चाहे कोई सा भी रसोई गैस सिलेंडर है, तो आप बहुत ही कम दाम दे करके आप लॉकडाउन के माहौल में, यानी कि जो हमारे देश में महामारी चल रही है, उसके चलते हमारे भारत की सरकार ने हमारे देश में रसोई गैस सिलेंडर के दाम को काफी सस्ता कर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों बता दें कि हमारी केंद्र सरकार ने गैस की सब्सिडी को लेकर भी बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों बता दें कि आपको रसोई गैस सिलेंडर तो 587 रुपए का तो पड़ेगा ही, इसके अलावा आपके बैंक खाते में 303 रुपए का सब्सिडी भी कट कर जाएगा। तो है ना, ये काफी अच्छी खबर और गुड न्यूज। तो वैसे में दोस्तों आपके बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा आता है कि नहीं आता है, इतनी बात हमें नीचे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। और साथ ही साथ आप किस राज्य से आते हैं, अपने राज्य की जानकारी भी हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। तो आयुब दोस्तों आपको आज की यह जानकारी काफी ज्यादा आपको पसंद आई गई होगी। अगर आपके मन में रसोई गैस सिलेंडर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट या कोई भी सवाल या जवाब है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी खबर के साथ आज का यह रसोई गैस सिलेंडर का वीडियो यहीं पर फ्रीज करते हैं। मिलता है एक और नई जानकारी के साथ एक और नई अपडेट की रसोई गैस सिलेंडर की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।